हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल श्री लर्निंग हब। और आज के वीडियो में हम सिंपली लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले फ्रेंड हम पावर पॉइंट को ऑन कर देते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट मेनू में जाकर शेप पे क्लिक करते हैं। शेप पे हमें जिस तरह का लेना है फ्रेंड, हमने अभी इस तरह का लोगो के लिए ये लिया। अब एक करने के बाद फ्रेंड हम सिंपल वे में सेलेक्ट करते हैं इस तरह का। इस तरह का कर लिया फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, इसके अगर हमें शेप को फिल करना है तो हम कोई भी कलर से फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट से कर सकते हैं। पहले फ्रेंड हम फिल करने के बाद शेप को ग्रेडियंट में जाकर मोर ग्रेडियंट में क्लिक करके ग्रेडियंट पे क्लिक किया, और इसे डिलीट करने के लिए फ्रेंड जानते हैं हम, ये देखो इस तरह फ्रेंड। अब हमें ये कलर, ये वाइट लेना है तो वाइट ले लिया, या फिर ये येलो लेना है फ्रेंड, ऊपर का येलो ले लेती हूँ। परसेंट में फ्रेंड 49%, और इन इस वाले कलर को रेड ले लेती हूँ। ये देखो फ्रेंड, इस तरह का हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट के लिए करना है। तो फिर से इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, या फिर इंसर्ट मेनू में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में भी हो सकता है, वर्ड आर्ट में भी हो सकता है फ्रेंड। इसमें हमने कोई भी एक टेक्स्ट ले लिया। अब इसे हम डिलीट करके जैसे हमने लिखा सुरभि, पैरेट, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स में जाकर टेक्स्ट को किए सर्किल लिए, और सर्किल लेने के बाद हम इस तरह रोटेट किया फ्रेंड। अब हम देखते हैं टेक्स्ट का साइज फिल करते हैं, तो ये हमारा साइज बड़ा हो रहा है फ्रेंड, तो इसे हम अरेंज करते हैं। इस तरह से हमने अरेंज किया, ये देखो फ्रेंड। अब यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड। अब हमें ये देखो फ्रेंड, यहाँ से इसे में थोड़ा तो टाइम लगेगा फ्रेंड, इसे अरेंज करने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये देखो फ्रेंड, ये देखो फ्रेंड, हमने इस तरह अरेंज कर लिया, और इसको थोड़ा सा और ये देखो, इस तरह हमारा शेप में आ गया फ्रेंड। अब हमें इसके अंदर कुछ लोगो डिज़ाइन करना है, तो फिर से इंसर्ट मेनू में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और कोई अच्छा सा जो हमें पसंद हो फ्रेंड लोगो ले लेंगे।
तो कोई भी शेप ले लेंगे फ्रेंड। लोगो क्या, हमने ये शेप ले लिया, इसे अंदर से ये देखो फ्रेंड, इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड। ये देखो इस तरह हम कर सकते हैं, और इसकी कलर कुछ भी चेंज भी करना हो तो हम कर लेंगे फ्रेंड। जैसे से फिल्म में जाएंगे कोई कलर देना हो तो दे सकते हैं, अगर ग्रेडियंट्स में टेक्सचर में जाना है तो इस तरह का टेक्सचर भी दे सकते हैं, इस तरह का टेक्सचर भी दे सकते हैं फ्रेंड। जैसा हमें टेक्सचर देना हो हम दे सकते हैं, या फिर ग्रेडियंट में जाकर भी हम पिक्चर भी कोई ले सकते हैं, अगर मेरे पास पिक्चर हो तो ले सकते हैं फ्रेंड। या फिर ग्रेडियंट में जाकर इसमें भी हम अपनी मर्जी से कोई कलर चूज कर सकते हैं। ये देखो फ्रेंड ये अच्छा लग रहा है। अब हमें शेप आउटलाइन में कर दिए, नो आउटलाइन देना है नहीं दे दिए। अब हमें फ्रेंड इसमें भी अगर कुछ लिखना है तो हम इसमें जाकर इस तरह करके ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमें नीड नहीं है फ्रेंड लिखने का, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर यहाँ फिर कुछ लिखना हो तो यहाँ पर भी हम कुछ लिख सकते हैं फ्रेंड, वही फिर से सेफ फील करने के और फिर हम लिख सकते हैं फ्रेंड। लेकिन आज हम एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो, और अगर हमें सेप में इसे ये देखो फ्रेंड ग्रुप भी कर सकते हैं सारे को एक साथ करके, कंट्रोल दबाया, ग्रुप किया, इसे किया, सबको करके राइट क्लिक किया, ग्रुप आया, ग्रुप में क्लिक कर दिया, अब हमारा ये ग्रुप में हो गया फ्रेंड सारा। इस पे क्लिक किए, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक किए, और फिर से सारे को ग्रुप में ले आए। अब हमारा लोगो इधर उधर ये देखो फ्रेंड मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसे ग्रुप में कर दिए, ये कर दिए, अब हमें इसको शेप में कुछ फॉर्मेट करना है, जैसे शेप इफेक्ट में करना है, 3D रोटेशन, तो इस तरह हम अपने लोगो को डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। ये देखो फ्रेंड ये देखो इस तरह लोगो ले सकते हैं, या फिर यहाँ से जाकर ये देखो हमें जिस तरह लोगो लेना हो फ्रेंड हम रोटेट करके लोगो को, ये देखो फ्रेंड देखो इस तरह का हम लोगो ले लिए। तो फ्रेंड आज के वीडियो में सिंपल वे में लोगो डिज़ाइन करना सीखे, 3D लोगो डिज़ाइन है ये मेरा फ्रेंड जो हमने पावर पॉइंट में सीखा, ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।